तो भैया आप तो सारी सामग्री बता दिए, अब इसको कैसे कैसे मतलब दवा मिलाएंगे, कुछ करके दिखाएंगे। हाँ भैया देखो सर, 7 लीटर पानी में 28 ग्राम दवा डालेंगे। यह हो गया भाई 28 ग्राम दवा। भैया ये दवा कैसे आप मान लिए 28 ग्राम है कर? भाई 28 ग्राम नपा हुआ है, इसको हम मिला देंगे। दवा पूरे पलिया में डालेंगे आप? नहीं भैया, एक है पलिया के लिए। अच्छा, तो ये पलिया कितना की लंबाई चौड़ाई है? भैया 5 फीट लंबाई है, 3 फीट हाँ। चौड़ा। अच्छा, तो एक ही पलिया में ये 7 लीटर पानी डाल? हाँ, एक ही पलिया। भैया इससे और भी बड़े पलिया बना सकते हैं? हाँ भैया, भैया 11 फीट का लंबा बन सकता है, बनाते हैं। हाँ। और 3 फीट के चौड़ा। हाँ, उसमें कितना पानी और कितना दवा लग जाए? भैया 15 लीटर पानी और 60 ग्राम दवा डालते हैं। अच्छा भैया, हम इसको घोल बना दिए हैं, अब इसको नर्सरी में डालते हैं। अच्छा, इसको भैया कितना पानी भिगाओगे? इसको भैया थोड़ा सी भीग जाए, उसके बाद फिर खेत खाड़ के खेत में लगाएंगे। हम इतना डालेंगे कि मिट्टी पूरा भीग जाए। अच्छा, तो ये भींग गया तो इसको अब उखाड़ेंगे? भैया अच्छा सी थोड़ा सी भींग जाए, उसके बाद हम 4 घंटा के बाद इसको है ले जाएंगे। फिस्टॉप या मेंटेक्स दवा के छिड़काव के 4 घंटे के बाद पौधे की रोपाई करें।